फैमिली वेलकम टू माई चैनल विच इज़ विशालीज व्लॉग। और व्लॉग चैनल पे मैंने सोचा कि एक मेकअप लुक शेयर करते हैं। जैसे कि रिसेंटली मैंने ये बोल्ड स्टेटमेंट काजल आई लुक क्रिएट किया था। मतलब मुझे लगभग 10 साल हो गए मेकअप करते करते और मैंने ऐसा आई लुक कभी क्रिएट नहीं किया था, बट जैसे ही क्रिएट किया और मुझे पसंद आया, प्लस आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा कि इतना ईजी पीजी लुक जो कि हर कोई अचीव कर सकता है तो फटाफट से शेयर किया जाए। सो ये सिंपल सा मेकअप लुक जिसके प्रोडक्ट्स मोस्टली मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, सभी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इसमें से कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं है, बहुत बजट फ्रेंडली लुक होने वाला है। कुछ चीज़ें अगर स्किप करना चाहते हैं वो भी मैं ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगी। कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। तो जितना मैंने अभी तक सीखा है, एक्सपीरियंस किया है अबाउट मेकअप प्रोडक्ट्स, सभी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी वीडियो में। जल्दी से शुरू करते हैं और मुझे बिना मेकअप के देख कर डर मत जाना। सो मेकअप शुरू करने से पहले मैंने स्किन को प्रेप कर लिया था। आप अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स के साथ अपने स्किन को प्रेप कर लेना क्योंकि वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी पिगमेंटेशन है ना, मतलब डार्क आई सर्कल है और माउथ अराउंड हमारे थोड़ा सा डार्क कलर होता है, सभी के होता है और ये नेचुरल है, इससे कोई भी मतलब हिचकिचाने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं एले गर्ल का ना पीच कलर का कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके बहुत ज़्यादा डार्क है ना तो आप ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पीच कलर काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे मैं जितने भी ब्रशेज़ यूज़ कर रही हूँ ना वो मैं कफ्स एंड लैशेस के यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इनके ब्रश अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही कमाल के। अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं किए और करने चाहते हो कुछ अच्छे ब्रशेस तो डेफिनेटली कफ्स एंड लैशेस के ट्राई करना। ये मार्स का ना बेस है इन गोल्डन कलर, ये पिंक शेड में भी आता है। मैं इसको लगा रही हूँ फॉर मतलब ग्लो, इससे पता है कैसा आता है, जैसे विद इन जो ग्लो होता है ना वैसा वाला, फेक नहीं लगता, नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा हाइलाइटर या कुछ पोता हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी इतनी है कि इतनी शाइन आपके फेस पे ऑलरेडी आ जाती है, पसीने से ज़रूरत ही नहीं है हाइलाइटर की। नेक्स्ट इज़ दिस ब्यूटीफुल फाउंडेशन जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मेरी पुरानी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, यही फाउंडेशन अभी तक मेरा बेस्ट फाउंडेशन है, कितने सारे यूज़ कर लिए। अगेन मैंने सिर्फ 2.5 पंप लिया है। आपको फेस के सेंटर से शुरू करना है, सेंटर से लेके आपको अपनी ईयर लाइन तक, हेयर लाइन तक जाना होता है। बहुत ज़्यादा आपको फाउंडेशन नहीं लेना है। कोशिश कीजिए जो आपके पिगमेंटेड एरिया हैं, जो प्रॉब्लमेटिक एरिया हैं, बस उसी को कवर करें। जितना कम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे उतना ही मेकअप फ्लॉलेस लगता है। ज़्यादा प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी अच्छे काम नहीं करते, कैसा भी आपका ओकेजन हो। सो यहाँ आप देख रहे हो मैं ना सेंटर फोकस पे ही, सेंटर जो फेस है ना उसी पे काम कर रही हूँ। हेयर लाइन और कानों के पास मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया, इवन मैं अपने फोरहेड पे भी जस्ट वन ड्रॉप लगाती हूँ, वन ड्रॉप नहीं वन डॉट, उसी से हो जाता है। नेक्स्ट इज़ दिस मीडियम टोनी वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर, ये भी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इसको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मतलब फाउंडेशन के कम से कम मैंने 10 बॉटल ख़त्म कर दी हैं और इसके भी 5 तो कर ही चुकी हूँ। थोड़ा सा आइज़ के ऊपर मैं फाउंडेशन लगाना भूल गई थी इसलिए मैंने कंसीलर लगाया। जहाँ जहाँ मैंने लगाया है वहीं आप लगा सकते हैं, बाकी कोई पिगमेंटेड एरिया है या कोई एक्ने के मार्क हैं उसको भी आप कवर कर सकते हो इससे। आप देखेंगे मैंने नेकलाइन पर बहुत ज़्यादा फाउंडेशन और ये सब चीज़ों से कवर किया भी नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कलर मेरा इतना क्लोज और एक्चुअली कहूँगी तो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है, क्योंकि 10-15 मिनट बाद ना ये फाउंडेशन थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद ये परफेक्ट शेड हो जाता है। मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि मैं अपने नेकलाइन को भी इससे कवर करूँ। और एक्चुअली क्या है, बहुत सारे शूट्स रहते हैं ना, कपड़े चेंज करने होते हैं तो फिर नेकलाइन से ना वो गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं लगाती भी नहीं हूँ। सिंपली डैब 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 करके आपको सारा स्प्रेड कर लेना है। नेक्स्ट इज़ लैक्मे का कॉम्पैक्ट, इसमें SPF भी है। सो अगेन मैं ये पाउडर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, टाइनी सा है, बहुत प्यारा ब्रश है ये भी कफ्स एंड लैशेस से। एक बात और बता दूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है। जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो ना मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे फेवरेट्स हैं, इसीलिए मैंने सारे इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। देखिए यहाँ से मैंने स्पूली ब्रश ले लिया, उससे थोड़ा सा ब्राउ के बालों को सेट कर लिया। देन ये ना ब्लू हेवन का बहुत ही अफोर्डेबल ब्राउन कलर में आईब्रो पेंसिल है, ये एक्चुअली में बिल्कुल ख़त्म हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला। सो इससे बिल्कुल जो आपके गैप्स हैं जस्ट आपको उसको फिल करना है बहुत लाइट हैंड से, और स्पूली से आपको ना स्प्रेड करते जाना है। देखिए इसके बाद ना मैं ये ब्राउन कलर का इसमें से शेड पिक करी थी क्योंकि वो पेंसिल ख़त्म हो चुकी थी, मैंने ऑलरेडी इसकी एक पेंसिल ख़त्म कर दी है और अब अगेन एक मैं ऑर्डर भी कर चुकी हूँ। और दूसरी चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ प्लीज़ डोंट यूज़ ब्लैक
पेंसिल, क्योंकि ना ये भी ऑक्सीडाइज होती हैं, और जब रियल में आप किसी से मिलते हैं ना, वो ब्लैक आईब्रोज इतनी ज़्यादा फेक लगती हैं, सो डोंट यूज़ ब्लैक कलर, ब्राउन कलर आप यूज़ कर सकते हैं। फाइनली आ गया हमारा हीरो द काजल। ये के ब्यूटी का न्यू काजल है, मैं तो लैक्मे का यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा, बट ये मैंने मंगवाया इस बार, सो मैंने सोचा कि बोल्ड आई लुक क्रिएट किया जाए। फर्स्टली आपने काजल लगाना है सिंपल अपनी वाटर लाइन पे, फिर बैक साइड से पीछे की तरफ से इसको एकदम ना क्लोज बंद कर लेना, बहुत ज़्यादा लंबी अगर नोक निकाल लेते ना तो इतना लगाने में टूट जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है ना, और इस वक्त समर्स भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा निकाल के बिल्कुल धीरे 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 आपने बिल्ड करना है, जैसा कि मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसा करते जाइए। अगर आप प्रो नहीं हैं, बहुत अच्छे से मेकअप नहीं करना जानते, मैं आपको सबसे पहले बोलूँगी पहले आँखें कंप्लीट कर लेना, उसके बाद फाउंडेशन लगा लेना, वरना इतना जब हाथ क्लोज लेकर आते हो ना तो उस जगह से फाउंडेशन फिर पैची हो जाता है, तो इस तरीके से आप करते जाइए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि कभी भी आपने आईब्रोज को सेट करने के लिए ना ज़रूरत नहीं है मस्कारा की, प्लीज़ डोंट यूज़ इट, क्योंकि कई बार फोटो पिक्चर्स और वीडियोस में तो फिर भी अच्छा लगता है, बट एज इन अगर आप पर्सन टू पर्सन मिलते हैं तो वो बहुत गंदा लगता है, प्लीज़ डोंट यूज़ दैट। मैंने थोड़ा सा ना आंखों के पास वाइट वाइट हो गया था, मैंने इससे हटा लिया। नाउ कमिंग टू द आईलैश कर्लर, अगर आपको ये यूज़ करना नहीं आता प्लीज़ प्लीज़ स्किप दैट, क्योंकि ये थोड़ा सा ना ट्रिकी हो जाता है, कई बार अगर आपको नहीं आता तो आपकी आईलैश की जो स्किन वगैरह है वो आ जाती है और आप अपने आप को चोट पहुंचा सकते हैं, तो मत करिएगा। हाइपर कर्ल मस्कारा, ओ माय गॉड, ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा। सो इसको भी आपको धीरे धीरे बिल्ड करना है, फर्स्ट कोट लगा लीजिए, देन अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे कोट की ज़रूरत है तो आप लगा सकते हो, क्योंकि इससे ना क्लम्पी नहीं होते और वॉल्यूम भी अच्छी मिल जाती है और लेंथ भी बहुत अच्छी मिलती है। सो अगर अभी तक आपने कोई भी अच्छा मस्कारा यूज़ नहीं किया या बहुत सारे यूज़ करके छोड़ दिए, ये वाला यूज़ कर लो, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि ना लाइनर नहीं लगाया ना, इसलिए मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इस वाले कॉम्पैक्ट में ये मैंने एक बहुत लाइट कलर का ना थोड़ा सा शीन है इसमें, आप देखो हल्का सा उसको ना अपनी अपर लिट को हाईलाइट करने के लिए, बिकॉज मैंने काजल इतना हैवी लगाया है और मैंने जो मस्कारा लगाया है उन लैशेस को शो करने के लिए, दिखाने के लिए आपको ये हल्का सा शीन कलर लगाना ज़रूरी है। कोई भी पैलेट में, किसी भी पैलेट में हल्का सा लाइट शेड हो ये स्किन कलर टाइप का, ये आप लगा लेना। और देखो अब मैं कोई ब्रशेज वगैरह भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, जस्ट फिंगर से डैब 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 डैब, बस इतना ही करना है जैसा मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट ही लगती है आपके अपर लिट्स। ये देखिए, ये है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्ट्रोर पाउडर, इसका भी आई थिंक मैं दूसरा पैन ये यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं इसको। इस तरीके से आप थोड़ा सा फिशी फेस बना लेते हैं तो आपको अपनी कॉन्ट्रोर लाइन पता लग जाती है। इसी तरीके से आपने करना है अपनी हेयर लाइन के पास ज़रूर कॉन्ट्रोर लगाना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं ना तो हमारे बालों में दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है, उसको ये कवर कर लेता है। फाइनली बिंदी, बिंदी के बाद मैंने यूज़ किया है ब्लश। ये मेकअप रेवोल्यूशन का ब्रश है, ब्लश है, और ये बहुत सही कलर है, मतलब मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, जब से मैं ये पास ये आया है ना मेरे को लगता ही नहीं कि मेरे को कोई और ब्लश लगाना चाहिए। चीक्स के ऊपर की तरफ एंड नोज़ पे हल्का सा, और मैं हल्का सा चिन पे भी लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। फाइनली मेरा फेवरेट शेड, जो इतनी लाखों क्वेरीज रहती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं स्विस ब्यूटी का एक डार्क डीप कॉफ़ी शेड है उसको लगाती हूँ, देन ये बेरली न्यूड है मेबलिन का लिक्विड लिपस्टिक, इसको मैं कवर कर लेती हूँ और ये बहुत ही कमाल का शेड बन जाता है। फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है। देन माइक्रो फिक्स, ये आपने अगर फिक्सर यूज़ कर लिया ना, इसके बाद आप दूसरों को यूज़ करोगे ही नहीं, ये इतना बढ़िया है। सो हाइलाइटर मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं पहले ही लगा चुकी थी बेस क्रीम। सो आई होप विदाउट मेकअप मैंने आप लोगों को नहीं डराया है। सो कैसा लगा ये मेकअप लुक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कौन कौन से मेकअप लुक्स देखना चाहते हो, क्योंकि मैं आप कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे मेकअप भी आपके साथ शेयर करूँ। तो दो तीन जो सिग्नेचर लुक्स हैं जो कि आप बहुत सारे आउटफिट्स के साथ कैरी कर सकते हो, इसको भी आप, मैंने बिंदी लगाई हुई है तो ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल टच दे रहा है, मैं इसको हटा दूंगी। अभी आप मेरे आगे वीडियोज़ में भी देखेंगे विशाली मित्रा का फैशन डोज पे, वहाँ पर मैंने ट्राई ऑन्स किए हैं वेस्टर्न वेयर्स के साथ, उस पर भी ये लुक बहुत कमाल का जाता है। इसको और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, हल्का सा मैट आई शेडो भी इसके ऊपर टैप कर सकते हैं, बट संभाल के, अगर वो आपके बेस पर फॉल होगा तो आपका बेस खराब हो सकता है। उससे बचने के लिए बस ये है कि पहले आप आईज क्रिएट कर लो। वैसे भी जितने बिगिनर्स हैं मैं उन सबको यही बोलूंगी, पहले अगर आप इस आई लुक को अचीव करना चाहते हो पहले आप आईज को खत्म कर लो, देन अपना बेस कंप्लीट करना, तो कुछ भी गड़बड़ होने के चांसेस नहीं रहेंगे। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, बाय।